हेलो एवरीवन, इससे पहले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स एनायन के आईपीसी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कटायन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनायन के आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस क्या करेंगे इस वीडियो में? कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बोथ कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, जिसके पास दोनों पार्ट होंगे, उसके पास कॉम्प्लेक्स कटायन भी होगा और उसके पास कॉम्प्लेक्स एनायन भी होगा। ओके, एक्चुअल में आपको कुछ चीजें याद रखनी है इसमें। देखो, शॉर्टकट्स में आपको बता दूंगा, आपको कुछ चीजें रिमार्क करके याद रखनी है, ठीक है, उसमें मैं आपको लिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले देखो, सस्ते वी कर में, देखो सस्ते वी कर में फी कोनी क्यों जाना, ठीक है। जो पहला वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है उसे इस तरह से याद करता है, सस ते वी कर में फी कोनी क्यों जाना, ठीक है। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज है। ओके, 3D ट्रांजिशन सीरीज है। तो देखो, ये दोनों के दोनों, ये जो सारे के सारे, दोनों के दोनों नहीं, ये एग्जैक्टली ये सारे के सारे, ती वी कर में फी कोनी क्यों जाना, ये सारे के सारे +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। जो स्कैंडियम है ये ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। देन आपका जो निकिल है, निकिल वो मोस्ट प्रोबेबली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन लेकिन एक्सेप्ट किसके, एनआई F6 का -2। इसमें जो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, बाकी निकिल मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास जो निकिल है ये तो मैंने बता दिया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। देखो, अगर कहीं पे कॉपर होगा तो कॉपर हमेशा +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। अगर एजी होगा तो एजी मोस्ट प्रोबेबली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारे पास है जिंक, कैडमियम, सीडी और एचजी, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं माना जाता इन तीनों को, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, ठीक है। और जो रुथोनियम है RU, ऑस्मियम है OS, रोहोडियम है RH, ठीक है, और इरिडियम है, ये हमेशा +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, +2 +3, ठीक है। पैलेडियम है तो पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 4 में पाया जाता है, ठीक है। और देखो, और मेरे पास है, जैसे मैंने आपको प्लेटिनियम बताया, तो प्लेटिनियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, और दूसरा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में +4, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा +8, सॉरी प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बाय हार्ट याद रखना है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, सस्ती मतलब SC जो है, स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, बाकी ती बी कर में फिकोनी फिको यहां तक +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। निकिल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा, एक्सेप्ट अ कंपाउंड NiF6 -2 में या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। कॉपर +1 और +2 में पाया जाता है, Ag प्रोबेबली +1 में पाया जाता है, जिंक कैडमियम और Hg +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, आपके पास जो रुथोनियम है OS है RH है, ठीक है, और जो हमारे पास IS नहीं है, एक्चुअली ये इरिडियम है, तो इरिडियम को क्या लिखा जाता है IR लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है IR, तो ये जो IR है आपका +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में
होंगी। ठीक है, पैलेडियम पीडी होगा, ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, फोर होगा। और इन केस ऑफ प्लेटिनियम इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लस टू एज वेल एज प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर प्लस टू इट शोज कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, और प्लस फोर इट शोज कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। ओके, तो ये तुम्हें पहले बाय हर्ट याद करने होंगे। अगर ये चीजें याद हैं तो इसको बहुत आसानी से किया जाता है। ठीक है, देखो एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं और उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कराता हूं। ठीक है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, देखो एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें है पीटी प्लेटेनियम NH3 का होल फोर और पीटी सीएल का होल फोर। ठीक है, देखो इसको क्यों बोलूंगा कि मैं ये कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों रख रहा है। तो देखो अगर मैंने इसको एक्वस सॉल्यूशन में जाकर के डिसॉल्व किया, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पीटी NH3 का होल फोर। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस, कुछ भी आ सकता है, एन में नंबर नहीं लिखूंगा इस टाइम पे, अभी वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या नंबर होना चाहिए यहाँ पे, पीटी सीएल का होल फोर और कितना आ जाएगा माइनस एन। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली किस तरह से, जैसे NaCl है, अगर ये एक्वस में डिजोल्व होता है, एक्वस में डिजोल्व हुआ तो ये क्या बनाता है Na प्लस, प्लस क्या बनाता है Cl माइनस। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस भी डिजोल्व होकर के कॉम्प्लेक्स कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन बनाता है। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स कटायन। ओके, कॉम्प्लेक्स कटायन। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन। ओके, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो देखो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास है पीटी NH3 का होल फोर पीटी सीएल का होल फोर। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है केमिस्ट्री में, एक रिमार्क याद रखना, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है तो हमेशा सेंट्रल मेटल एटॉम के पीछे से एट फॉर्म निकलेगी, एट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो देखो रिमार्क के लिए याद रखना कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है तो उसमें सेंट्रल मेटल एटॉम के बाद क्या आएगा, एट फॉर्म आएगी। तो देखो सबसे पहले सिमिलरली लिगेंड क्या है भाई, लिगेंड ये है टेट्रा, टेट्रा NH3 है तो क्या आ जाएगा टेट्रा एमाइन। उसके बाद पीटी है तो पीटी को क्या लिखते हैं भाई, प्लेटेनियम, प्लेटिनियम। ठीक है, जैसी मेटल आता है उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ठीक है, देन अगला लिखते हैं, ये तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव फॉर्म है कटायन और ये जो है ये निगेटिव फॉर्म है भाई, तो जो पॉजिटिव होता है उसके पीछे नॉर्मल सीएमए आता है, लेकिन अगर निगेटिव आया कोई कॉम्प्लेक्स तो उसके पीछे से सीएमए में एट लगता है। तो देखो देखो यहां पर से क्या आया, टेट्रा टेट्रा क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो, टेट्रा क्लोरीडो। ठीक है, देखो आईपीसी एक ही लाइन में होनी चाहिए, सिंगल लाइन में होनी चाहिए, लेकिन यहां पे थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं क्लोरीडो। और याद रखना प्लेटिनियम नहीं आएगा, इसको क्या लिखते हैं प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ठीक है, और यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर से देखो यहां से NH3 जो है वो क्या है, NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, और तो यहां पर से प्लेटिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर टोटल कितनी हो जाएगी, जीरो समथिंग हो जाएगी। और ये अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस प्लेट, इसका कितना है -1 × 4 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर से कितनी आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू फोर। तो यहां पर से जीरो आई, इधर से जीरो आई और इधर से फोर आया भाई, तो जीरो प्लस, बहुत सारे लोग जीरो प्लस फोर करते हैं तो ये आ जाएगा फोर, और इसको दो पार्ट्स में बराबर डिवाइड कर लेते हैं प्लस टू और प्लस टू। तो देखो यहां पर से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा सेकेंड, और इसमें भी कितना हो जाएगा सेकेंड, ऐसे भी लिखते हैं, ये शॉर्टकट है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो प्लेटेनियम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर चार है भाई, देखो 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 एग्जैक्टली यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है फोर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना फोर, और पीटी हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो तो नॉर्मली
नॉर्मली मैं जो यहां पे ऊपर n की वैल्यू लिख रहा था, ये n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये n की वैल्यू आएगी प्लस टू और ये कितना आ जाएगा माइनस टू। तभी तो जाकर के अगर यहाँ पे प्लस टू होगा तभी प्लेटेनियम x जो है यहाँ पर से कितना आएगा प्लस टू, और जब ये माइनस टू होगा तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा प्लस टू। ध्यान से रखना, तभी तो प्लेटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे प्लस टू और प्लस टू लिखी है। आया समझ में? अगर आप लोगों को नहीं आया समझ में तो आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरे मेथड से भी आप लोगों को समझा सकता हूँ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। देखो कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको करा देता हूं। देखो एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास है, देखो यहां पे है कोबाल्ट CO NH3 का होल 6 और प्लस थ्री आ गया, माइनस थ्री है तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ओके देखो, देन CR CN का होल 6। ओके अब इसे डिजोल्व करना है, तो डिजोल्व करके मुझको पता है ये इस तरह से डिजोल्व होगा, ये आया तुम्हारा कोबाल्ट NH3 का होल 6, इसके पीछे से प्लस N, देन जो दूसरा कॉम्प्लेक्स एनायन है इस पे आएगा माइनस एन। हमें पता करना है कि ये एन कितना है, उसके बिहाफ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, तो मुझे यहां से पता होना चाहिए। देखो एग्जैक्टली मैं वहां से भी कर सकता हूं, देखो मैं यहां पर से भी कर सकता हूं, तो यहां पे से न्यूट्रल है तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी होगी जीरो। ये क्रोमियम है, देखो यहां से कितनी आ जाएगी प्लस सिक्स आ जाएगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो ऐड करने पे सिक्स आएगा, और वो सिक्स क्या हो जाएगा दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक को प्लस थ्री मिलेगा दूसरे को भी क्या मिलेगा प्लस थ्री। ये भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें फिर पता होगा कि कोबाल्ट प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली पाया जाता है। और अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूं, क्रोमियम तो क्रोमियम जो है वो मोस्टली प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, तो यहां पे भी प्लस थ्री है यहां पे भी प्लस थ्री है, बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर मैं इनको प्लस टू बनाना चाहता हूं, देखो हर बार ट्रिक यूज नहीं होगी, तो देखो क्या करना है इसमें, एक मैं आपको लेंथी मेथड से सिखा देता हूं। तो देखो इसमें क्या करना है, पुट करो, अगर n इज इक्वल टू वन होता है तो देखो n इज इक्वल टू वन होता है तो ये कितना आ जाएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x, ठीक है, देन ये आ जाएगा जीरो और यहां पे कितना आएगा प्लस वन, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया, इट इम्प्लाइज दैट प्लस वन। सिमिलरली हियर ये आएगा x प्लस माइनस वन इंटू सिक्स, और इधर अगर n की जगह वन रखा है तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन, तो ये इधर है ही प्लस यहां पर से कितना आ जाएगा सिक्स उधर को गया तो प्लस सिक्स आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइव। ठीक है, इट मीन्स यहां पे जो क्रोमियम है तो वो कितने में प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और यहां पे जो कोबाल्ट है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेकिन हमको पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब n बराबर वन तो नहीं आएगा भाई। अगर n बराबर टू रख देते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखो x प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, अब इस वाले नंबर में n बराबर टू है तो यहां पे प्लस टू आएगा, सिमिलरली यहां भी कर लेते हैं x प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, तो यहां पे x इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस सिक्स, तो यहां पे कितना आएगा प्लस फोर, और यहां पे x इज इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस टू। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको पहले लिखा था मैंने कि जो हमारा कोबाल्ट है वो प्लस टू और प्लस थ्री में होता है तो ये तो ठीक है, लेकिन क्रोमियम प्लस फोर में नहीं होता भाई, तो इसका मतलब ना तो वन आएगा ना तो टू आएगा। अब थ्री रख के देख लेते हैं भाई, ये दोनों तो गलत हो गए, थ्री रख लेते हैं। तो थ्री रखने के बाद हमने क्या किया, एन इज इक्वल टू थ्री कर दिया, तो देखो एक्स प्लस, देखो अब इस एन की जगह यहां पे क्या रखेंगे थ्री, तो ये आ जाएगा NH3 का होगा जीरो इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो x इज इक्वल टू प्लस थ्री यहां पे रख दिया, और यहां पे x माइनस सिक्स हो जाएगा बराबर प्लस, सॉरी अभी आएगा माइनस थ्री, तो x बराबर यहां से कितना आ गया प्लस थ्री। तो देखो ये एग्जैक्टली करेक्ट आ गया, अगर प्लस थ्री यहां होता और प्लस थ्री यहां होता,
ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या आ गया, करेक्ट आ गया है। अगर तुम यहां से n बराबर 4 रख करके देखोगे तो यहां पे x बराबर 4 आ जाएगा, और यहां पे x बराबर कितना आ जाएगा भाई, यहां पे -4 और +6 यानी कि +2 आ जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली ये वाली चीज तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो हमारा जो सबसे करेक्ट है वो ये वाला पार्ट है भाई, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, जो कोबाल्ट है वो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो क्रोमियम है वो भी किस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। ये तो एक बड़ा मेथड हुआ, छोटे मेथड से भी मैंने आपको बताया था। देखो भाई इससे एक और मेथड मैंने आपको बताया था, देखो यहीं पे इसको इरेज करके मैं आपको और बता देता हूँ। देखो इससे एक छोटा सा मेथड मैंने आपको बताया था, देखो से छोटा मेथड मैंने आपको बताया था। देखो क्या था मेथड, देखो मैंने बोला था यहां से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 0 आएगा, और यहां से अगर क्रोमियम का निकालो तो +6 आएगा। अब 0 और +6 को मिला दिया जाए, +3 और +3। देखो चेक करने का तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका हर बार नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको लंबे मेथड से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसकी आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम कर देते हैं, देखो अब इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम कर देते हैं। हमको पता चल गया कि जो क्रोमियम है और कॉपर है दोनों प्लस, कॉपर नहीं कोबाल्ट है वो किसमें है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो अब बहुत अच्छी तरह से हम आ गया है, देखो हमारे पास है कोबाल्ट NH3 का होल 6, और देन हमारे पास है क्रोमियम, यह है CN का होल 6, और ये कितना आ जाएगा +3। तो हमें पता है कि वो है, तो इधर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो इतना ही दिया रहेगा ना आप लोगों को। तो देखो इसे किस तरह से मैं लिखूंगा भाई, तो यहां पर से आएगा हेक्सामाइन, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, हेक्सा अमाइन, देन इसको क्या लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है, देन ऑक्सीडेशन नंबर। अगला वाला जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स इसमें आएगा उसमें क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, या इसे साइनिडो भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग साइनो लिखते हैं, बहुत सारे लोग साइनिडो लिखते हैं। तो हमने अभी तक जो किया है वो किसके साथ चले हैं, अभी तक हमने साइनिडो के साथ चले हैं, तो हम एट लास्ट में भी साइनिडो के साथ ही चलेंगे। और लास्ट में से क्रोमियम नहीं, क्या लिखा जाएगा, क्रोमेट लिखा जाएगा, ठीक है। 8 फॉर्म आ जाती है, याद रखना एज अ रिमार्क, याद रखना एज अ रिमार्क, याद रखना क्या याद रखना है भाई, अगर तुम्हारे पास कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो नॉर्मल CMA आएगा, जो नाम है वही आएगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो याद रखना CMA के साथ उसका कौन सा फॉर्म भी जुड़ेगा, 8 फॉर्म भी जुड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास क्रोमियम होगा और उसके साथ उसकी 8 फॉर्म लगानी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो डायरेक्ट इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो देखेगा तो उसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो भाई अब यहां पे फिर ऑक्सीडेशन, ये हमारा ये आ गया है, देन उसके बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, ठीक है। तो मैं पहले निकाल चुका हूं कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। एक कॉम्प्लेक्स और कर लेता हूं, देखो आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, आपको भी और क्लियरिटी रहेगी। देखो यहां पर से नॉर्मली एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, देखो सिल्वर का एक एग्जाम्पल दे देता हूं, सिल्वर का। तो देखो अगर मेरे पास है Ag NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और एक दूसरा है Ag CN का होल ट्वाइस, तो भाई इसका नाम लिखो, तो नाम लिखते समय मैं नॉर्मली क्या लिखूंगा, देखो डाइअमाइन है तो डाई एमाइन, ओके। Ag है तो क्या लिखा जाएगा भाई, सिल्वर, देन सेंट्रल मेटल आते ही उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद क्या आएगा डाई, फिर क्या आएगा साइनिडो, ओके। देन Ag, मुझे पता है कि ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। और आगे वाला जो है दिस वन, ये क्या है, कटायनिक है, ठीक है। तो एनायनिक वाले के पास क्या लिखा जाएगा, 8, तो मैं इसको लिख देता हूं
ये क्या आएगा, अर्जेंटेट, ठीक है, अर्जेंटेट। और जैसे सेंट्रल मेटल एटम आया उसके बाद उसका, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। तो देखो भाई यहां पे क्या आएगा, नॉर्मली अगर मैं देख लू यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, जीरो, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बनेगी, प्लस टू। और मैंने कहा लास्ट में दोनों को ऐड कर देना, तो जीरो और प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो और प्लस टू टू हुआ, और दोनों को बराबर स्प्लिट कर देना है, प्लस वन और प्लस वन, ठीक है, प्लस वन और प्लस वन में स्प्लिट कर दिया भाई। तो यहां पे फर्स्ट आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। लेकिन मैंने कहा ये सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तो एजी जो मोस्ट प्रोबेबली प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो आप लोगों को यहां से दिख रहा है, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी। हर बार ये ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन 100 में से 98 और 97% तो ये ट्रिक आपकी बिल्कुल काम करेगी, ठीक है। तो अब हम एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगे भाई, बहुत ही सरल हो जाएंगे। देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है यहां पे, देखो वो है एन आई, एन आई एन एस थ्री का होल फोर और एन आई सी एल का होल फोर। देखो भाई तो हमने क्या किया है, देखो ये कॉम्प्लेक्सेस है, तो देखो हमने क्या किया है इसमें, देखो यहां पे दो मेटल है, पहला भी निकिल है और दूसरा भी क्या है, निकिल है। तो नेमिंग तो मैं बहुत इजीली से कर दूंगा, इसका क्या आएगा, टेट्रा एमाइन, क्या लिखूंगा, टेट्रा एमाइन, ओके, टेट्रा एमाइन। और उसके बाद कितना है, क्या आएगा, निकिल, एन आई सी के एल, टेट्रा एमाइन निकिल। देन इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, देन क्या आएगा, टेट्रा, और निकिल को क्या लिखेंगे भाई, ये वाला जो पार्ट है एनायनिक पार्ट है, और एनायनिक वाले में मैंने बोला था सीएमए के आगे क्या लगेगा, एट। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपका, आपको सीएमए के एट फॉर्म लिखा ही है भाई, तो ये क्या आ जाएगा, निकिलेट आ जाएगा, क्या आएगा, निकिलेट आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया, निकिल मोस्ट प्रोबेबली कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, देखो यहां से भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस फोर, और अगर प्लस फोर को आप स्प्लिट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस टू यहां पे और प्लस टू यहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब, क्या हुआ, मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स है एन आई एन एस थ्री का होल फोर ये वाला और एन आई सी एल फोर, अगर ये स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होने के बाद ये क्या बनाएगा, एन आई एन एस थ्री का होल फोर, प्लस टू और एन आई सी एल फोर का माइनस टू। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो निकिल है ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू, और यहां पे भी कितना है, प्लस टू। या मैंने ऊपर जो शॉर्टकट अप्लाई किया है आप ये वाले शॉर्टकट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे आएगा सेकंड और यहां पे आएगा सेकंड, ठीक है। तो कितने इजी तरीके से आपने जेई के इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। और इसका जो वेटेज था भाई ये देख रहे हो, 3 मार्क्स इसका वेटेज था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया टेट्रा एमाइन निकिल, ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन सी, इसका एग्जैक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास थे उनकी आईपीएससी हमने कंप्लीट कर दी। मैंने बहुत ही डिटेलिंग में आपको आईपीएससी करवाई। अब आपके पास कोई भी नेम हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, आप उसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिफरेंट थ्योरीज है, लाइक वॉर्नर थ्योरी हो गया, या आपके पास वीवीटी हो गई, या आपके पास सीएफटी हो गई, और एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा एलएफटी का, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो आईपीएससी मैंने सिखाई है वो पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।